हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे जनरल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उसको अपने कैसे हल करेंगे वो आज अपने यहाँ पे सीखेंगे। इसलिए वीडियो को स्लिप मत करना, वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। अब अपने को ये दो इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको ये दो चर है, चर का मतलब होता है एक्स और वाई, दो चर का सिंपल एक चर होता है उसको अपने डायरेक्ट हल कर सकते हैं। लेकिन जब दो चर वाली दो इक्वेशन दी हुआ तो उसमें अपने एक्स और वाई का मान है वो कैसे ज्ञात करेंगे वो आज मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करना सिखाऊंगी। अब देखो ये चीज है, अब इसको अपने कैसे करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन में से एक का मान, मान लीजिए मैंने सेकेंड इक्वेशन लिया क्या है एक्स प्लस वाई इजकल टू टू, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लू, वाई की, एक्स की वैल्यू मैंने मान लो ज्ञात कर लिए, वाई उधर आके माइनस हो गया, ठीक है। एक्स का मान कितना है, दो माइनस वाई है, ये कौन सी इक्वेशन है, तीन, यानी अपने लिख सकते हैं समीकरण तीन से एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, मैंने एक में ही क्यों रखा, दो में क्यों नहीं रखा, क्योंकि दो से तो अपने ने ज्ञात किया, जब दो में मान रखेंगे तो कुछ मान आएगा ही नहीं। इसका मतलब जिससे अपने ने तीसरी इक्वेशन ज्ञात किया उसमें मान पुट नहीं करना, किस में करेंगे, फर्स्ट में। तो क्या है, दो एक्स प्लस तीन वाई इजकल टू चार, दो एक्स की वैल्यू कितनी ज्ञात की है मैंने, टू माइनस वाई मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तीन वाई बराबर कितना हुआ चार, इसको किया चार, हल किया माइनस के टू प्लस के तीन वाई बराबर कितने हुए चार। अब देखो ये चार है, कितने वाई बचे, एक वाई इजकल टू चार, ठीक है। वाई ये चार है, ये इधर आके किस में हो गया, माइनस में, तो वाई का मान कितना आया जीरो, y का मान अपना यहाँ पे जीरो आ गया। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कौन सी नहीं, समीकरण तीन है वो बनी हुई है अपनी, तो यहाँ पे रखेंगे y इक्वल टू जीरो, तो x का मान कितना आ गया दो और y का मान कितना आ गया जीरो। अब देखो दोनों के आंसर अपने आ गए, लेकिन अब अपने को चेक करना है अपना आंसर सही है या गलत है। तो ये एक्स और वाई का मान दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दो, मान संतुष्ट हो। मैंने सेकेंड इक्वेशन में रखा क्या था, दो, एक्स का मान कितना है दो, वाई का मान कितना है जीरो, दो, यानी दो बराबर दो आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ये जो विधि है ना, इसको अपने बोलते हैं, अगर मैं क्लास टेंथ की बात करूं तो इस विधि को अपने बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी एक का मान दूसरे में स्थापित कर देना, वो कौन सी कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है बच्चों। इस तरह अपने x और y के मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। मान लो ये तो थी प्रतिस्थापन विधि, एक तो अपने इस मेथड से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी सेकंड मेथड की, यानी सेकंड मेथड से भी अपने x और y का मान है वो कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो जो फर्स्ट करवाया था वो सिंपल है, सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन जो मैं सेकेंड मेथड करवाऊंगी वो कौन सा होगा। ये दो इक्वेशन है ना, देखो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में चाहिए एक्स के मान बराबर कर दो, चाहिए वाई के मान, ठीक है। अगर यहाँ पे दो एक्स है, यहाँ पे कितना एक्स है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दो का, क्योंकि मेरे को एक्स बराबर करना है। एक्स बराबर करने के लिए मैं दो से, अगर मैं वाई बराबर करूं तो वाई को मैं तीन से करूंगा, मैं यहाँ पे एक्स से कट के बता रही हूँ। पहली इक्वेशन क्या थी, दो एक्स प्लस तीन वाई इजकल टू चार थी, दूसरी इक्वेशन में दो को जब मैं गुणा करूं तो पूरी इक्वेशन, दो को एक्स से किया दो एक्स, बीच में प्लस, दो को वाई से किया दो वाई, और दो को इससे किया चार। अब हमेशा ध्यान, मैंने एक्स किया है वाई बराबर नहीं किया, जो चीज मैंने बराबर की है उसको वहां से अपने को हटाना है, हटाने के लिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इन दोनों को हटाना है, जो मैंने बराबर क्यों किया हटाने के लिए, तो मतलब नीचे वाली इक्वेशन के निशान है वो मैं चेंज कर दूंगी, जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तीन एक्स है, तीन वाई है, ये दो वाई है, माइनस के हैं क्योंकि पहले प्लस के थे, अपने चेंज करने के लिए माइनस हो, तो कितना बचा वाई, बचा किसका, प्लस का, और ये कितना हुआ अपना जीरो, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई जीरो आ गई, ठीक है बच्चों। जो अपने इससे पहले मेथड किया था वहां पे भी वाई का, जो एक क्वेश्चन को अपने कितने ही मेथड से करें आंसर हर बार सेम होगा तो ही वो आंसर सही अपना करेक्ट होगा, वरना अपने ने मेथड है वो गलत लगाया। वाई का मान जीरो आ गया, पहले भी जीरो था, अब ये वाई का मान दोनों इक्वेशन में किसी में रख दो, मान लो मैं फर्स्ट में रख के बता देती हूँ आपको, वाई की जगह मैंने क्या रखा जीरो रखा, यहाँ पे कितना हुआ जीरो, ये पूरा जीरो हो गया चार, दो एक्स इजकल टू चार, एक्स बराबर
चार बटे दो, तो x का मान कितना आ गया 2। जब मैंने प्रथम जो मेथड किया था प्रतिस्थापन, उससे भी y का मान 0 आया था, x का मान 2 आया था, इस मेथड से भी ये मान है 0 और 2 आ रहा है। मतलब दो मेथड लगाए, दोनों से आंसर मेरे करेक्ट है। इसका मतलब जो मैंने तरीका किया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन है वो कर सकते हो। मोस्टली ये जो क्लास 10th है बोर्ड की एग्जाम, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे दो मेथड नहीं पूछेगा, वहां पे एक मेथड से अपने को हल करना होगा। वो मेथड एग्जाम में दिया होगा कि किस मेथड से अपने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। जो पीछे मैंने मेथड कराया था वो कौन सा था, प्रतिस्थापन विधि, यानी एक का मान दूसरे में स्थापित करना। और जो अभी मेथड करवाया था, इस मेथड को बताओ क्या बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, विलोपन विधि। अब देखो ये दो मेथड है क्लास 10th में, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ऊपर लिखा होगा कि अपने को किस मेथड से हल करना है, उसी मेथड से करेंगे अपनी तरफ से कोई भी मेथड। अगर वहां पे नहीं लिखा हुआ, वहां पे डायरेक्ट पूछे कोई भी क्वेश्चन, इसमें कहा है x और y के मान ज्ञात करो, तो वहां पे अपने कोई मेथड लगा सकते हैं। अगर एग्जाम में दिया है तो वही लगाना है। ठीक है, इस तरह अपने दो चरों वाली रेखीय समीकरण को हल करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।